तो दोस्तों 30 दिसंबर यानी बीते हुए कल में हमारे पीएम मोदी जी ने हरी झंडी दिखा दी है अमृत भारत की अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को, जो कि माता सीता की धरा को अयोध्या की धरती से जोड़ेगा। और अब आने वाले नए साल के 22 जनवरी को भव्य उद्घाटन होने वाला है हमारे राम मंदिर का, जिसका पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हालांकि हमारी सरकार द्वारा अनुरोध है कि 22 जनवरी को कोई भी बिना इन्विटेशन यहाँ न आए, लेकिन हाँ 23 जनवरी से पूरी आम जनता और पूरे भारतवर्ष के लिए खोल दिया जाएगा। और इसी कड़ी में सरकार ने पूरे भारत के लिए यात्रा सुविधा का भी बहुत ही बारीकी से ध्यान रखा है, जिसमें भारतीय रेलवे भी पीछे नहीं है। जी हाँ, एक कदम आगे बढ़ते हुए भारतीय रेलवे ने उद्घाटन समारोह से पहले यानी कि 19 जनवरी से एक नहीं बल्कि 1000 स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने के लिए तैयार है और इस पूरे भारत को एक साथ अयोध्या से जोड़ने की पूरी तैयारी में है। जी हाँ, देश के विभिन्न हिस्सों से अयोध्या तक के लिए ट्रेन शुरू करने की योजना है। बता दें कि भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 जनवरी से मंदिर जनता के लिए खुला रहेगा। अयोध्या को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता, नागपुर, लखनऊ और साथ ही जम्मू के साथ साथ कई बड़े शहरों के साथ जोड़ा जाएगा, क्योंकि ऐसा अंदाजा लगाया नहीं जा सकता कि यात्रियों की भीड़ कितनी ज्यादा हो सकती है। इसलिए पूरे 1000 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाना है। साथ ही यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए अयोध्या स्टेशन को एक नया रूप भी दिया गया है। दोस्तों 15 जनवरी तक अयोध्या रेलवे स्टेशन बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और इसको भी काफी हद तक राम मंदिर से इंस्पायर मंदिर की झलक ही दिखाई गई है। साथ ही ऐसी सूचना है कि रेलवे स्टेशन पे एक साथ 50,000 तक के यात्रियों को हैंडल किया जा सकता है। साथ ही रेलवे स्टेशन में कई सारी फैसिलिटी देखने को मिलेगी, जैसे कि 12 लिफ्ट, 14 एक्सेलरेटर, फूड प्लाजा, पूजा शॉप जैसी कई सारी सुविधाएं इसमें होंगी, क्योंकि इसी बीच बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री अयोध्या आएंगे, जिसके लिए रेलवे और टिकटिंग पीओसी समेत IRCTC भी इन 10 से 15 दिनों के दौरान 2400 घंटे तीर्थ यात्रियों के लिए खान पान सेवा का इंतजाम करेगा। इस मांग को पूरा करने के लिए कई सारे फूड स्टॉल का भी इंतजाम किया जाएगा। दोस्तों इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे राम मंदिर का भव्य उद्घाटन तो होगा ही, लेकिन इसके साथ ही भव्य भीड़ देखने को मिलेगी अयोध्या रेलवे स्टेशन पे। भगवान राम के जन्म स्थान पे आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए एक नया आकर्षण केंद्र भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यात्री पवित्र सरयू नदी पर इलेक्ट्रिक कैटामरन में सवारी का मजा भी ले सकते हैं और इस कैटामरन में एक साथ 100 व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो दोस्तों इस नए साल में आपको कितना इंतजार है हमारे राम मंदिर के भव्य उद्घाटन का और आप कब जा रहे हैं इसके दर्शन को नीचे हमें कमेंट जरूर करिएगा। जाते हुए एक छोटे से क्लिक से वीडियो को लाइक, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।